Hi friends, welcome to Tech Review for You YouTube channel. Friends, आज आपके लिए एक अनबॉक्सिंग लेके आया हूँ. पहला सामने का लुमिक्स कैमरा है. ये कैमरा स्टिल फोटो के लिए भी यूज़ होता है और ये वीडियो के लिए भी यूज़ होता है. तो मेरे पास एक सेलर हैं, जो एक ऐसे सेलर हैं जिनसे मैं चीज़ें परचेज करता हूँ ऑनलाइन. और एक तो मुझे वो कि अच्छी प्राइस में मिल जाती है, सेकंड वो ऑथेंटिक चीज़ होती है और 10x9x10 कंडीशन होती है उसकी. तो मैंने उनसे ये कैमरा मंगवाया था, तो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और इसको टेस्ट भी करते हैं. इसी वीडियो में इसका टेस्ट भी होगा. फ्रेंड्स, मैं उनको जैसे ही ऑर्डर करता हूँ तो वो ओवरनाइट मुझे मिल जाता है. तो आउट ऑफ सिटी हैं वो, लेकिन उनका जो MNP के ज़रिए वो भेजते हैं और ओवरनाइट ये पार्सल जो है वो शिप हो जाता है और मुझे नेक्स्ट डे ही मिल जाता है. ये मैंने कल उनको ऑर्डर किया था शाम को, तकरीबन 2:30 बजे के करीब किया था, दोपहर को. उन्होंने शाम को शिप कर दिया था. अब देखें, उन्होंने मुझे जो इसका बैग है ना वो नया भेजा है एज अ गिफ्ट. वो कह रहा था ये बैग बिल्कुल नया है तो आपके लिए गिफ्ट है. ये इसका बैग आ गया. बैग के अंदर कैमरा है, उसके बाद बैटरी चार्जर है इसका. ये बैटरी है और ये इसका चार्जर है, ये आप देख सकते होंगे. इसकी वो बता रहे थे कि ये इसकी बैटरी है, ये इसकी बैटरी है ओरिजिनल पैनासोनिक की. और ये देख लीजिए, ये इसका चार्जर है. ठीक है फ्रेंड्स, ये आप देख रहे होंगे. ये एक बार दोबारा से बैटरी देख लें, CGF S002E और ये 680 mAh की है. ये इसकी ओरिजिनल बैटरी है. SLR कैमरा है ये, DSLR नहीं है. तो आज आपको मैं ये भी फ़र्क बताऊंगा कि SLR और DSLR में क्या फ़र्क होता है. SLR जो कैमरा होता है ना वो DSLR की तरह ही होता है, लेकिन उसके अंदर फंक्शनैलिटीज़ वही होती हैं. लेकिन उसके अंदर ये होता है कि उसका जो लेंस होता है ना वो यानी कि डीअटैचेबल नहीं होता, उसका फिक्स लेंस होता है, आप उसके लेंस को उतार नहीं सकते. तो इसके अंदर जूम वगैरह ऑटोमेटिक होता है काफ़ी बड़ा. लुमिक्स कैमरा जो है इसको हमने अनबॉक्स कर ली है. तो ये एक यूज्ड कैमरा है, रिफर्बिश्ड है. इसमें लाइका का लेंस लगा हुआ है और पैनासोनिक का ये कैमरा है, SLR कैमरा है. इसका मॉडल है DMC FZ18. तो ये इसका शूट वाला बटन है, इसको प्रेस करेंगे. ये जो रोटेशन, ये रोटेट होता है स्विच, ये है जूम है इसका. इसके ऊपर ये इसके मोड्स हैं, आप देख रहे होंगे ये डिफरेंट मोड्स हैं इसके. और फ्रेंड्स, ये इसकी बैटरी है. असल में ये जो इसकी मैंने चेक किया है, इसकी ओरिजिनल बैटरी नहीं है. बैटरी बहरहाल जो सेलर ने मुझे भेजी है वो चल तो रही है इसमें. अब इसको आगे मज़ीद देखना पड़ेगा कि ये मैंने थोड़ी सी पैकिंग रखी है ताकि ये हिल जाती थी. तो ये इसमें SD कार्ड लगता है, SD कार्ड लगाते हैं. अच्छा फ्रेंड्स, ये SD कार्ड है, ये आप देख रहे होंगे. SD कार्ड इसमें लगाते हैं. SD कार्ड लगाने का प्रोसेस इसका सिंपल है. इसको ओपन करेंगे, SD कार्ड इसमें लग गया. ठीक है. अच्छा फ्रेंड्स, इसके अंदर एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसकी कनेक्टिविटी को देख लेते हैं. फ्रेंड्स, इसकी जो पैनासोनिक लुमिक्स है ना, ये इसकी जो कनेक्टिविटी है ये होती है एक स्पेशल, इनकी केबल होती है लुमिक्स की, 8-pin केबल होती है, उससे इसकी कनेक्टिविटी होती है.
एक इसकी डीसी इनपुट है और ये इसकी कनेक्टिविटी की यूएसबी है, लेकिन ये मिनी यूएसबी जो होती है ना वो नहीं लगती। तो इसका जो जूम है ना वो बड़ा कमाल का है, इसमें 35 मिलीमीटर जो जूम है वो इसका इक्विवेलेंट है 28-504। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें, इसके लेंस के ऊपर लिखा हुआ है 18x ऑप्टिकल जूम है और ये बराबर है 28-504 mm के। तो ये कैमरा तो ओवरऑल गुड है। अब इसकी करते हैं टेस्टिंग, इसको ऑन करते हैं। जी कैमरा ऑन हो गया। अभी आप कार्ड इसमें इंसर्ट करें ना तो आप उसको एक बार फॉर्मेट कर लें, ठीक है। तो अब इसकी थोड़ा सा देखते हैं कि ये यानी कि समझ लीजिए कि इसको फॉर्मेट कर रहा है कार्ड को। बेस्ट प्रैक्टिस यही होती है कि जब हम कार्ड इसमें न्यू एंटर करें तो इसको फॉर्मेट कर दें। तो बैटरी की हेल्थ आप देख सकते हैं। अब हम इसमें आ जाते हैं इसके मोड में। हम इसमें ऑटोमेटिक पे आ जाते हैं। फ्रेंड्स पहले हम ये चार्जर है इसकी पिक्चर लेते हैं। फ्रेंड्स इसका ऑटो फोकस बहुत ही शानदार है, बहुत कमाल ऑटो फोकस है इसका, ये मैं आपको बता दूं। इसके बाद थोड़ा सा ऐसे टेस्ट कर लेते हैं। आप इसका देखेंगे। अच्छा ये माइक्रो मोड में मैंने इसको किया था, माइक्रो मोड में। अब हम इसको फ्रेंड्स करते हैं, जब हम इसके मोड सेलेक्ट करते हैं ना तो ये सामने भी रीडिंग देता है कि हम क्या सेलेक्ट कर रहे हैं। अभी हम करते हैं पिक्चर मोड, ठीक है। ये पिक्चर पोर्ट्रेट मोड आ गया। ये इसको फ्लैश के साथ चेक करते हैं। एक फीचर और उन्होंने डाला हुआ है, ये देखें, इसके अंदर ना इमेज स्टेबलाइजर भी है। ये आप इसके LCD देख रहे होंगे, इमेज स्टेबलाइजर भी है। ये इसके ऊपर EVF और LCD है। EVF को प्रेस करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाउंडर को ऑन कर देगा ये, या आप इसमें देख रहे होंगे। जब इसको दोबारा प्रेस करेंगे तो ये लाइव व्यू शो करेगा। ये एक बड़ा ही अच्छा फीचर है इसका, लाइव व्यू का। तो उसके अलावा अब इसके अंदर अगर आप इसको जूम करना चाहें तो ये आप थोड़ा सा रोटेट करेंगे, ये देखिए। तो ये आप देखा है आपने इसकी पिक्चर जूम करने के बाद। अच्छा फ्रेंड्स इसके अभी इसमें ना मूवी की ऑप्शन भी है, ये इसका मोड सेलेक्ट करते हैं मूवी वाला, ये मैं आपको दिखाता हूँ। मूवी वाला मोड इसका देखते हैं। ये इसका मूवी वाला मोड आ गया। अब हम इसको मूवी बनाने के लिए थोड़ी देर के लिए इसको प्रेस करेंगे, इस बटन को थोड़ी देर के लिए। ना ड्यूरिंग मूवी जो वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो जूम अवेलेबल नहीं है।
तो ये फ्रेंड्स आज का एक रिव्यू था पैनासोनिक ल्यूमिक्स कैमरे एसएलआर कैमरे के बारे में। एसएलआर कैमरा जो होता है ना, उसका जो लेंस होता है वो फिक्स होता है। तो ये एक बड़ा ही कीमती कैमरा है, लेकिन क्योंकि ये इसका लेंस डिटैचेबल नहीं होता, तो इस वजह से शायद पॉसिबल हो सकता है कि थोड़ी इसकी डिमांड कम है। तो ये आज का रिव्यू था, आई होप आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह फिर किसी दूसरी वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। तो अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। इंशाल्लाह फिर किसी दूसरी वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।